में आपने डिशन की टेक्निक्स यूज करते हुए 3.1 पॉइंट की थी अब 3.2 में आपने उसका उलट जो कि इंटीग्रेशन है वो यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो इसका जो पहला और दूसरा पार्ट है उसमें आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है पहले पार्ट में सिंपल इंटीग्रेशन है और सेकेंड पार्ट में लिमिट्स अपलाई करके आपने वैल्यूज निकालनी है तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओफ्टी डी टी तो इस पर सेपरेटली हर किसी पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे सिंपल जो पावर रूल है इंटीग्रेशन का वो ये है कि जो पावर होती है उसके अंदर वन प्लस वन करते हैं और वही जो पावर ऊपर होती है वही नीचे आ जाती है माइनस यहाँ पे टू है तो टू में पावर प्लस वन करेंगे और नीचे वही पावर डिवाइड हो जाएगी और ये आ जाएगा आई कंपोनेंट प्लस टू वैसे ही और टी क्यूब है तो टी पावर थ्री प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन आ जाएगा और ये जे कंपोनेंट बन जाएगा माइनस थ्री और वन का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा प्लस सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है वो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो का डेरिवेटिव आप ये देखें कि कॉन्सटेंट का जो डेरीवेटिव होता है डेरीवेटिव ऑफ जो कॉन्सटेंट होता है वो ज़ीरो होता है अब क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स होता है डेरिवेटिव का तो अगर हम जीरो का इंटीग्रेशन लें तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा मतलब आप दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लें ये डेरीवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी टी मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली जीरो तो है हम यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी टी कोई भी कॉन्स्टेंट होगा अब इसको सिंपलीफाई करके जस्ट लिख लेते हैं ये आ जाएगा टी स्केयर ओवर टू माइनस टी क्यूब ओवर थ्री आई कंपोनेंट प्लस टू टाइम्स टी फोर ओवर फोर जे कंपोनेंट माइनस थ्री टी प्लस सी के कम्पोनेंट इसको मजीद सिम्प्लीफाई करने के बाद मजीद सिम्प्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा अब इसके सेकेंड पार्ट में आपने इसमें अप लिमिट्स अप्लाई कर देनी है तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई इस तरह से की जाती हैं कि आपके पास जो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई की जाती है और फिर उसमें माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई होती है जब आपके पास ये आ जाता है लिमिट्स आ जाती हैं इसे हम कहते हैं डेफिनेशन इंटीग्रल, और यहाँ पे प्लस सी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट्स दी गई हैं अब पहले आपने इस पूरे में टी की जगह अपर लिमिट पुट कर लेनी है अपर लिमिट टू थी तो ये टू का स्केयर ओवर टू माइनस टू का क्यूब ओवर थ्री ये आ गए फर्स्ट ब्रैकेट इसमें से आपने माइनस कर देनी है लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट वन है इसमें वन पुट करेंगे तो यहाँ पे इसके आई कंपोनेंट में हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लिया है तो इसका एल्सियम लेने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर टू में आपने क्या करना है आर दिया हुआ है आपको और इसका आपने सेकेंड डेरीवेटिव फाइन करना है और देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन ले लेना है तो यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है अब आपने ये क्वेश्चंस सोल्व करते हुए ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को मिक्स नहीं करना तो ये फाइव और जो डेरिवेटिव का पावर होता है वो होता है टू साइड पे आ जाएगा और टी पावर में से टू माइनस वन और फर्दर डेरिवेटिव आता है बेस का जो कि वन हो जाएगा आई प्लस डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा ये जे माइनस टी क्यूब के ऊपर पावर लगेगा थ्री टी और थ्री माइनस वन टू के ये बन जाएगा टेन टी आई प्लस जे माइनस थ्री टी से के, के. ये फर्स्ट डेरीवेटिव आ गया इसका आप सेकेंड डेरीवेटिव लेंगे अगेन डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा टेन और t का डेरिवेटिव वन i प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो ये माइनस थ्री टी स्केयर पर पावर लगेगा टू टी के तो ये जस्ट मच जाएगा टेन i प्लस जीरो जे ज़ीरो माइनस सिक्स के सिक्स टी के अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने r और इसके सेकेंड डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट मेथड से ले लेंगे आई जे के मौजूद है आई जे के इसमें वैल्यूज डालते हैं और इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स स्केयर आई प्लस ट्वेंटी टी क्यूब जे कंपोनेंट माइनस टेन टी के कम्पोनेंट अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम वन से लेकर टू लिमिट तक अब जो हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया था उसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं अलग अलग हर कंपोनेंट का या आ जाएगा माइनस सिक्स टी स्केयर के ऊपर पावर लगेगा तो आ जाएगा टी पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन लिमिट फ्रॉम वन से टू आई कंपोनेंट प्लस ट्वेंटी टी क्यूब के ऊपर लेगा टी पावर थ्री प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन वन से टू जे कंपोनेंट माइनस टेन टी पे भी पावर लगेगा वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन फ्रॉम वन से टू के कंपोनेंट इसके बाद इसको सिम्प्लीफाई uh, करेंगे इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये बन जाएगा इसको कैंसिल करेंगे सिक्स आज फोर फाइव टाइम ट्वेंटी और टू फाइव टाइम टेन तो ये बचेगा माइनस टू टी क्यूब प्लस अब इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे माइनस टू और अपर लिमिट टू है इसका क्यूब माइनस वन का क्यूब मतलब अपर लिमिट माइनस टूर लिमिट और जो क्यूब वगैरह है वो वैसे ही रहेगा प्लस फाइव वैसे ही आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है और टी पे अप्लाई करेंगे लिमिट्स तो ये आ जाएगा टू पावर फोर माइनस वन पावर फोर जे कंपोनेंट माइनस फाइव टी स्केयर है तो यहाँ पे आ जाएगा टू का होल स्केयर माइनस वन का होल स्केयर और ये आ जाएगा के कंपोनेंट तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड माइनस फोर्टी नाइन प्लस सेवेंटी फाइव जी माइनस फिफ्टीन के सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूट क्वेश्चन नंबर थ्री भी सिंपल पावर रूल से हो जाएगा पावर वे अप्लाई करेंगे टी पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन प्लस वन का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा आई प्लस टी क्यूब पे अप्लाई होगा पावर वो टी थ्री प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन प्लस टी पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन प्लस थ्री इसका कुछ नहीं है तो वन की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी प्लस टू टू की इंटीग्रेशन आ जाएगी टू टी क्योंकि टू के साथ कुछ नहीं है तो वन होगा और वन की इंटीग्रेशन टी होती है माइनस इस पे पावर वो लगेगा t पावर वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन ये आ जाएगा के कंपोनेंट ये ओ जी तो ये सिंपल सा के पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमने सिंपली हर पार्ट पे हर कंपोनेंट पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है और सिंपल पावर रूल से ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगी टी इसके पावर लगेगा टी पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन प्लस टू टी पावर वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन ये आ जाएगा आई कंपोनेंट प्लस इसी तरह बाकियों पे लगाएंगे पावर रूल अप्लाई करने के बाद इस तरह से आ जाएंगी वैल्यूज़ और थ्री थ्री से कैंसिल टू टू से कैंसिल हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आगे यूज़ होगी और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली क्या चीज़ है जो कि एक प्रोडक्ट फॉमूला कह सकते हैं आप प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं इंटीग्रेशन का तो इसमें हमें एक्चुअली लेना होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के लिए हम एक फॉमूला यूज़ करते हैं के क्या कैसे डिसाइड होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए और सेकंड किसको लिया जाए तो आई फोर इन्वर्स फंक्शन होता है एल फोर लॉग फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन ए फोर अल्जब्राइक फंक्शन ए फोर एक्सपोनेंशियल एंड टी फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है साइन एक्स और साथ आ जाए आ जाता है ई पावर ए एक्स साइन एक्स तो अगर आप यहाँ पे u किसको लेंगे मतलब फर्स्ट फंक्शन आप किसको लेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन x को सेकेंड फंक्शन लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव बाकी ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है तो हम यहाँ पे इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे एल एन ऑफ टी की डी ठीक तो एल एन ओफ़ टी की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसके लिए क्या करना करना पड़ेगा यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉमूला अप्लाई करेंगे जो कि फॉर्मूला होता है यू वी जैसे यू और वी जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इसकी अगेन इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे हमने एल एन ओफ टी पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है डी टी तो एल एन ऑफ़ टी की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी होती है तो हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे यू को लेट कर लेते हैं एल एन ऑफ टी और वी को लेट कर लेते हैं वन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यू की जगह आएगा एल एन ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ एल एन ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब सेकेंड फंक्शन डी टी और इसकी अगेन दोबारा से इंटीग्रेशन आएगी एल एन ऑफ टी और वन की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी माइनस एल एन ऑफ टी का डेरिवेटिव वन ओवर टी होता है और इंटीग्रेशन वन की होती है टी डी टी अब इस ब्रैकेट का दोबारा जो आंसर आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन लेना है और यहां पे ये बात याद रखनी है कि ये टी और टी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता टी और चीज़ है एल एन ऑफ टी और चीज़ है तो इसको टी एल एन ऑफ टी लिखा जाएगा माइनस टी टी कैंसर यह आ जाएगा वन डी टी और फर्दर टी एल एन ऑफ टी माइनस वन का इंटीग्रेशन टी प्लस इसका हम कॉन्स्टेंट दे देते हैं सी वन तो एल एन ऑफ टी की इंटीग्रेशन ये आ गई हमारे पास तो इसको नाम देते दे हैं कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आंसर आ गया हमारे पास अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है वन ओवर स्केयर रूट फोर माइनस टी स्केयर की इसको लिखा जा सकता है वन ओवर स्केयर रूट टू का स्केयर माइनस टी का होल स्केयर अब ये इस तरह का फंक्शन बन गया है वन ओवर स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ये इसकी जब इंटीग्रेशन लें तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स वर्स एक्स ओवर ए की ये इसका फॉर्मूला है क्योंकि इस आ, आ, जो साइनवर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है वन ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वन ओवर वन माइनस एक्स केयर लेते हैं उसे तो अगर इसका इंटीग्रेशन लें तो साइनवर्स एक्स आएगा जो कि उसका उल्ट है तो इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये बन जाएगा साइन इन टी ओवर टू मीन्स ऊपर आएगा वेरिएबल और नीचे आएगा जो कॉन्स्टेंट है प्लस सी टू इसको सेकेंड नाम दे देते हैं और लास्ट हमारे पास कोस्टी cos टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो होती है साइन टी प्लस सी थ्री हर किसी के साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा अगर आप अलग अलग कर रहे हैं अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था तो इस तरह आ जाएगा एल एन ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा टी एल एन ऑफ टी माइनस टी प्लस सी वन और वन ओवर फोर माइनस टी का जो इंटीग्रेशन आई थी वो आई थी प्लस साइन इन टी ओवर टू प्लस सी टू प्लस कोस्टिक इंटीग्रेशन साइंटी प्लस सी थ्री यह आ जाएगा अब यहां से यहां से हम जैसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो सी वन सी टू और सी थ्री है वो हमने सेपरेट कर लिया तो सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के एक नया वेक्टर बन जाएगा सी कॉन्स्टेंट वेक्टर ठीक है तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी हर पार्ट पे मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं बस ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सेपरेटली कर रही हूँ तो कोस्टी की इंटीग्रेशन होती है साइन टी ये फर्स्ट का आ गया अब सेकंड कंपोनेंट है टी सेकेंड सिक्योरिटी प्लस टेन टी अब देखिए यहाँ पे टी और सेकेंड सिक्योरिटी दो यहाँ पे फंक्शन है तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा फंक्शन यहाँ ले लेंगे टी को और सेकंड फंक्शन लेंगे सिकेंड सिक्योरिटी को क्योंकि यहाँ पे देखें आ, अल्जेब्राइक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो पहला जो तो टी है वो अल्जेब्राइक है उसको फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक को से, सेकेंड फंक्शन लेंगे अब इसके ऊपर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और टेन टी पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मला अप्लाई करते हुए क्या आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और अगेन इंटीग्रेशन प्लस टेन टी की अलग से इंटीग्रेशन आएगी तो इसको हम लग लेते हैं अलग प्रैकेट में टेन टी की इंटीग्रेशन आएगी एल एन ऑफ साइन टी प्लस सी टू तो यहाँ से आगे फर्दर आएगा टी सेकेंड स्क् टी की इंटीग्रेशन होती है टेन टी माइनस डी टी इसका आ जाएगा डेरीवेटिव वन और secant square टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन टी और इसका दोबारा से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेनी है डी टी प्लस एल एन ऑफ साइन टी प्लस सी टी टेन टी इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस इससे रख रही हूँ प्लास्टर रख रही हूँ ताकि वो टी और टेन टी मिक्स ना हो जाए माइनस टेन टी की दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ साइन टी जो कि हमने यहाँ भी यूज़ की थी और यहाँ पे है प्लस ln ऑफ साइंटी प्लस सी टू और यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा तो जस्ट बचेगा टी टेन टी प्लस सी ये सेकंड हो गया और t की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज टी प्लस सी थ्री लिख लेंगे इसे अब इन तीनों को तीनों वैल्यूज को हम फर्स्ट में पुट करेंगे फर्स्ट में सॉरी क्वेश्चन ए में पुट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन था अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर कॉस्टी की जगह आ जाएगी टी प्लस सी वन ये आई कंपोनेंट आ जाएगा प्लस इसकी जगह जो इंटीग्रेशन आई वो आई टी टी टेंटी प्लस सी टू ये जे कंपोनेंट हो गया माइनस ये माइनस था और टी का भी माइनस कोस्टी है प्लस सी थ्री के कंपोनेंट अब इसको ओपन करते हैं तो ये जस्ट हमने कॉन्स्टेंट जो थे वो सेपरेट कर लिए हैं ताकि हमारे पास एक नया कॉन्स्टेंट आ जाए कॉन्स्टेंट वैक्टर ये आंसर आ जाएगा इसके ऊपर वेक्टर का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये भी जो है वो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं इसलिए यहाँ पे सी सिंपल कॉन्स्टेंट नहीं होगा कॉन्स्टेंट वैक्टर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन में आपने एक वैक्टर फंक्शन फाइंड करना है ढूंढना है जो कि जिसका डेरिवेटिव ये हो थ्री कोर्स थ्री टी आई प्लस थ्री साइन थ्री टी जे प्लस फोर टी के और उसकी वैल्यू आई प्लस जे प्लस के होनी चाहिए एट टी इक्वल टू जीरो पर तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एफ कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है तो लेट कर लिया एफ कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये गिवन है तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी क्योंकि डेरिवेटिव है उस फंक्शन का इज इक्वल टू ये वैल्यू तो क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस डेरिवेटिव को खत्म करना पड़ेगा इस डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रही आ जाएगा थ्री और कोर्स थ्री टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन थ्री टी और जो फर्दर एंगल का डेरिवेटिव आता है थ्री टी के आगे वो नीचे डिवाइड हो जाएगा साइन थ्री टी की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोर्स थ्री टी और एंगल के डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस फोर टी की इंटीग्रेशन इसे पावर अप्लाई होगा वन प्लस वन, ओवर वन प्लस वन ये के कंपोनेंट है और इसे लिख लेंगे प्लस सी तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद आपके पास ये देखें डी और ये जो इंटीग्रेशन है कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास जस्ट ये फंक्शन वो आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन था ये फंक्शन आ जाएगा अब आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है कि इसकी जो वैल्यू है टी ज़ीरो पर वो है आई प्लस जे प्लस के इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ अगर टी है वहाँ वहाँ पे आप ज़ीरो पुट करें तो एफ ऑफ टी पे वैल्यू वे आ जाएगी आई प्लस जे प्लस के तो यहाँ पे साइन जीरो जीरो होता है ये आई आ जाएगा माइनस कोर जीरो वन होता है ये वन जे आ जाएगा माइनस टू जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये जस्ट बचेगा प्लस सी और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है आई प्लस जे प्लस के यहाँ आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के यहाँ से माइनस जे प्लस सी आ जाएगा अब यहाँ से सी अलग करेंगे तो ये जे है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आई प्लस जे प्लस जे प्लस के और सी आ जाएगा आई प्लस टू जे प्लस के अब इस सी की वैल्यू को आपने इधर पुट करना है क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ मैंने फोर टी के ले लिया था क्वेश्चन में एक्चुअली फोर के था तो वो उसको ऊपर से ये सही कर लिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारा वैसे ही आएगा और c की वैल्यू वैसे ही पुट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा इस चीज़ की जगह फोर टी और प्लस वन अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आई था और ये आई था तो इन दोनों की वैल्यू को हमने i कॉमन लेके तो लिख लिया वन प्लस साइन थ्री टी और एक ये जे कंपोनेंट और एक ये जे कम्पोनेंट है तो इसको लिखा जा सकता है टू और माइनस कोस थ्री टी जे प्लस आ, हमारे पास दूसरा कम्पोनेंट है ये टू टी इसके नहीं है ये है फोर टी और दूसरा यहाँ पे के है तो के की जगह वन ले, ले लेंगे फोर्टी प्लस वन और के कॉमन आ जाएगा तो ये इसका फाइनल आंसर होगा तो रैन क्वेश्चन नंबर एट और नाइन जो हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह ही है ये बिल्कुल उसी स्टेप पे होगा कि आपने एट और नाइन में पहले इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है और फिर टी की वैल्यू जीरो करके जो उस पर एफ़ की वैल्यू दी हुई है वहां से सी की वैल्यू निकाल के आपने दोबारा पुट कर देनी है इसको ख़ुद से ट्राई करें और अगर नहीं अगर फुल सोल्व होता तो मुझे लादमी फीडबैक दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टेन में आपको तीन वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी और सी और इसमें आपको दो पार्ट सोल्व करने हैं पहले पार्ट में आपने लेना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसकी इंटीग्रेशन और सेकेंड पार्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और फिर उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो फर्स्ट पार्ट में पहले इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं डिटर्मिनट मेथड से तो क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है तो मैंने एक्सपेंड करके इसका जो फाइनल आंसर है सिंपल वो निकाल लिया फ़ोटीन टी माइनस ट्वेंटी वन अब इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है ये आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ए डोट बी को सी है इसका डी टी लेंगे और इसी तरह यहाँ पर भी ले लेंगे फोरटीन टी का अलग से माइनस ट्वेंटी वन का अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फोटीन और ये आ जाएगा पावर रूट माइनस ट्वेंटी वन और टी और प्लस सी यहाँ पर अभी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट्स हैं तो ये आ जाएगा फोटीन टी स्केयर ओवर टू माइनस ट्वेंटी वन टी और ये से कैंसिल होगा तो ये बनेगा सेवन टी स्केयर माइनस ट्वेंटी वन टी अब इस पर लिमिट्स अप्लाई करनी है लिमिट्स अप्लाई करते हुए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर लिमिट अप्लाई करें सेवन जो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर रखें तो इस तरह से ईजी हो जाएगा यह आ जाएगा टू का स्केयर माइनस वन का स्केयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ट्वेंटी वन और इसमें टी में पुट करनी है तो जस्ट टी में आ जाएगा टू माइनस वन फर्द सेवन और टू का स्केर फोर माइनस वन फोर माइनस वन इज थ्री माइनस ट्वेंटी वन टू माइनस वन इज वन तो सेवन थ्री टाइम्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन इज जीरो तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसके सेकेंड पार्ट में आपने वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसके बाद उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है जो कि हमने सेकेंड चैप्टर में यूज़ किया था ए डॉट सी बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी सी वैक्टर इसका मतलब ये है कि आपने ए और सी का डॉट लेना है उसको बी से मल्टीप्लाई करना है इसी तरह ए और बी का डॉट लेना है और उसको सी से मल्टीप्लाई करना है तो ये ए वेक्टर आ गया और ये सी वेक्टर आ गया इसका डॉट लिया आई को आई कंपोनेंट से जे को जे कंपोनेंट से और के को के कंपोनेंट से डॉट लेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अखबार जिस बचेगा माइनस टू टी अब लेंगे ए डॉट बी ए डॉट बी लेने से फाइव टी प्लस सिक्स आ जाएगा अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल आ जाएगा ए डॉट सी की वैल्यू आई है माइनस टू टी और साथ बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सिंपल मल्टीप्लाई आई माइनस टू जे प्लस टू के माइनस ए डॉट बी की वैल्यू आई है फाइव टी प्लस सिक्स और इसको मल्टीप्लाई कर देना सी वेक्टर से ये इनको मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया कि ब्रैकेट्स ओपन कर दी है और इसके बाद हमने क्या करना है कि आई जे और के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेना यहाँ से आई जे और के कंपोनेंट्स के सारे पार्ट्स अलग करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस सेवनटीन टी माइनस एटीन ये बन जाएगा आई कंपोनेंट प्लस फोर टी माइनस सिक्स टी हो जाएगा माइनस टू टी माइनस फाइव टी स्क्र जे कम्पोनेंट और प्लस माइनस फोर्टी प्लस फाइव टी आ जाएगा जस्ट टी प्लस सिक्स के कम्पोनेंट यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ भी माइनस कॉमन ले सकते हैं अगर ना भी लें तो कोई मसला नहीं है अब आपने क्या करना है ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आंसर आ गया अब आपने इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए मैंने ये जो माइनस है वो कॉमन ले लिया तो सेवनटीन टी प्लस एटीन हो जाएगा और ये माइनस कॉमन लेके टू टी प्लस फाइव टी स्केयर हो जाएगा इस पर सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो ये माइनस बाहर रहने दें और ये आ जाएगा सेवनटीन टी स्केयर ओवर टू मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करनी क्योंकि पहले भी हम काफी क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं आई माइनस और टू टी के आएगा टी के ऊपर टी स्केयर ओवर टू हो जाएगा प्लस फाइव टी स्केयर पर अप्लाई करेंगे पावर हो तो टी के ओवर थ्री हो जाएगा जे प्लस यहाँ पे टी के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे तो टी स्केयर ओवर टू प्लस सिक्स वन का टी ये हो जाएगा के कंपोनेंट अब इसके ऊपर हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये बनेगा आई होप कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे आपने क्या करना है कि सेवनटीन ये टू का स्केयर ओवर फोर ओवर टू हो जाएगा प्लस एटी टू टू टाइम थर्टी सिक्स हो जाएगा इसके बाद आपने इसका एल्शियम लेना है इसी तरह यहाँ पे भी अल्शियम लेना है इसको ओपन करके पावर्स ओपन करके एल्शियम लेना है इसकी पावर्स ओपन करके एल्शियम लेना है इसी तरह इसकी पावर्स ओपन करके एल्शियम लेते जाना है और इनका फाइनल आंसर आपने सिंगल में बनाना है तो आई कंपोनेंट में माइनस एटी सेवन ओवर टू आएगा जे का माइनस फोर्टी फोर ओवर थ्री आएगा और के का ट्वेंटी सेवन ओवर टू आएगा ये फिफ्टीन ओवर टू आएगा क्योंकि ये सोल्व करके देखा जाए तो फिफ्टीन आता है लास्ट पे बुक में आंसर ट्वेंटी सेवन ओवर टू दिया गया है वो गलत है तो यहाँ पे आप चेक करके देख लें इसका आंसर फिफ्टीन ओवर टू आएगा ये फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एवन में भी आपको तीन फंक्शन दिए गए हैं एफ जी और एच और इसके तीन पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने एफ़ और जी का डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन लेना है और सेकंड पार्ट में उनका क्रॉस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और थर्ड पार्ट में इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लेना है तो सबसे फर्स्ट पार्ट है एफ डॉट जी और इसका हम इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम ज़ीरो टू टू तो पहले एफ फोर जी को आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो जब आई कंपोनेंट को आई के साथ डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा टू टी क्यूब आई डोट आइज वन और जे का कम्पोनेंट यहाँ पर नहीं है तो जे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे के का कम्पोनेंट सिक्सटी है और यहाँ पे टी माइनस वन है इसका मतलब है कि सिक्स टी को टी माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा इसका हमने जीरो से टू तक इंटीग्रेशन लेनी है तो ये आ जाएगा टू टी क्यूब प्लस सिक्स टी स्क्र माइनस सिक्स टी अब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो सिंपल पावर यूज़ करते हुए टी क्यूब का पावर रूल से टी फोर फोर इंटीग्रेशन आएगा प्लस सिक्स टी थ्री ओवर थ्री माइनस सिक्स टी स्केयर ओवर टू इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देने लिमिट्स पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इससे ज़्यादा तो ये आ जाएगा टी फोर ओवर टू फ्रॉम जीरो टू टू प्लस ये आ जाएगा टू टी क्यूब ज़ीरो से टू और ये आ जाएगा माइनस थ्री टी स्केयर ज़ीरो से टू अब जो आपके पास नंबर है उसको बाहर ही रखें और जो ये है वेरिएबल इसमें वैल्यू पुट कर दें आ जाएगा टू पावर फोर माइनस जीरो पावर फोर प्लस टू बाहर आएगा t क्यूब है मतलब टू पावर क्यूब माइनस ज़ीरो पावर क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर मिन तो यहाँ पे आ जाएगा टू पावर स्केयर माइनस ज़ीरो पावर स्केयर ये आ जाएगा वन बाय टू टू पावर फोर सिक्सटीन प्लस टू एट माइनस थ्री सिक्स ये एट आ जाएगा एट प्लस एट टू टाइम्स सिक्सटीन माइनस सिक्सटी टाइम्स एटीन यहाँ टू का स्केर है जो कि फोर होता है थ्री फोर ट्वेल्व होता है तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वेल्व ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आप सेकेंड पार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में f और g का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जो कि हम डिटर्मिनेंट मेथड से ले सकते हैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे जो आंसर आएगा उसके इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो so, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा अब आपने क्या करना है इसके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है सिंपल पावर लगेगा और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो यहाँ पे टी क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी फोर बाय फोर माइनस जे एट या आ जाएगा टी क्यूब ओवर थ्री माइनस टू टी फोर बाय फोर माइनस टू या आ जाएगा टी फाइव फाइव अब इसके ऊपर लिमिट सप्लाई कर देंगे ये कंपोनेंट है तो लिमिट सप्लाई आसानी से करने के लिए आप क्या करें कि माइनस सिक्स बाय फोर जो कि कांस्टेंट है नंबर वो बाहर ले लें और जस्ट टी फोर पर अप्लाई करें तो टी फोर आएगा टू पावर फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ज़ीरो इसकी पावर फोर जे में दो कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा एट बाई थ्री और टी क्यूब है तो मतलब टू पावर क्यूब माइनस ज़ीरो पावर क्यूब ये एक आ जाएगा माइनस ये टू बाय फोर मतलब कि आ जाएगा वन बाई टू बाहर और टी पावर फोर मतलब टू की पावर फोर माइनस जीरो पावर फोर एक ही आ जाएगा और ये पूरा का पूरा जे कंपोनेंट है और प्लस यहाँ से टू बाई फाइव बाहर आ जाएगा और ये टी फाइव है तो मतलब टू पावर फाइव माइनस जीरो पावर फाइव और ये के कंपोनेंट आ गया अब इसको ओपन करते हैं सिलेंडर इसका एलसीएम ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी फोर आई माइनस फोर्टी बाई थ्री जे प्लस सिक्सटी फोर बाई फाइव के ये फाइनल आंसर आएगा थर्ड पार्ट में पहले आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि हम रिटर्मन मेथड से फाइंड कर लेंगे आई जे के नहीं आएगा जस्ट थ्री वेक्टर्स आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स बना लिए सारे और अब हमने इसके क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है पहले आ जाएगा टी ज़ीरो ज़ीरो सिक्स टी माइनस थ्री टी इस तरह बाकी आएंगे ओपन करने के बाद आप यहाँ देखें ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि रिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है अगर कोई रो या कॉलम जीरो हो तो उसका पूरा डिटर्मिनेट जीरो हो जाता है तो आपके पास जस्ट ये कंपोनेंट बचेगा तो ये आ जाएगा टी स्केर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू टी स्केयर को माइनस थ्री टी से करेंगे तो आएगा माइनस सिक्स टी क्यूब और माइनस सिक्स टी स्केयर जब इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस सिक्स टी फाइव माइनस सिक्स टी फोर अब आगे आपको पता है क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स टी फाइव की इंटीग्रेशन आएगी टी फाइव प्लस वन सिक्स ओवर सिक्स माइनस इसका लिमिट uh, होगी ज़ीरो से टू माइनस सिक्स और ये आ जाएगा टी फाइव ओवर फाइव इसकी लिमिट ज़ीरो से टू सिक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस टी सिक्स तो टी सिक्स में अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले तो ये आ जाएगा टू पावर सिक्स माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो पावर सिक्स माइनस ये आ जाएगा सिक्स बाय फाइव बाहर निकाल लें और ये आ जाएगा ट्री पार फाइव मतलब टू पावर फाइव माइनस जीरो पार फाइव और इसको ओपन कर लेते हैं हम ये माइनस सिक्सटी फोर माइनस वन नाइन टू बाई फाइव इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फाइव ट्वेल्व ओवर फाइव तो ये इसका तीसरा पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर एलेवन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको एक्सलेशन की वैल्यू दी गई है ए इक्वल ट्वेल्थ कोर्स टू टी आई माइनस एट साइन टू टी जे प्लस सिक्सटीन टी के आपने विलोस्टी और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है टाइम टी इक्वल टू जीरो और कहा गया है कि विलोस्टी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हैं टाइम जीरो पे तो आपने विलोस्टी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है एट एनी टाइम टी जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक्सलेशन है वो डेरिवेटिव होता है विलोस्टी का तो एक्सलेशन हम लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी और बाकी यही चीज़ आ जाएगी तो अब यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो हमें डेरिवेटिव खत्म करना पड़ेगा तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं ये आ जाएगा 12 कोस टू का आ जाएगा साइन टू ओवर टू आई कंपोनेंट माइनस एट साइन टू का माइनस कोस टू ओवर टू जे कंपोनेंट प्लस सिक्सटीन टी के ऊपर लगेगा पावर तो लगेगा टू उसके ओवर टू प्लस सी यहाँ से v वेलोसिटी आ जाएगी डेरिवेटिव और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी सिक्स एन टू टी आई प्लस फोर कोर्स टू टी जी प्लस एट टी स्केर के प्लस सी अब आपने क्या करना है कंडीशन ये दी गई है कि वेलोसिटी जो है वो जीरो है एट टी ज़ीरो पे इसका मतलब है कि अगर हम टी ज़ीरो डालें तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी तो यहाँ से टू जीरो से ज़ीरो हो जाएगा तो मैंने जीरो लिख दिया और टू जीरो जीरो और ये जीरो का स्क्वायर प्लस सी और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी ये कंडीशन गिवन है तो यहाँ पे सिक्स साइंस जीरो ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस फोर ओ ज़ीरो वन होता है तो ये वन हो जाएगा जे और प्लस ये जीरो वैसे ही हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से जस्ट बचेगा फोर जे प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ सी क्या आ जाएगा माइनस फोर जे अब इस सी यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस फोर जे अब ये भी जे कंपोनेंट है ये भी जे कंपोनेंट है, है इसको इकट्ठा कर लेते हैं ये हमारे पास विलोस्टी की वैल्यू आ गई अब हमने दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट अब जो विलोस्टी हमारे पास फर्स्ट पार्ट से आई थी इसको हम विलोस्टी को लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेरीवेटिव ले तो हमारे पास विलोस्टी बनती है अब हमें ये इसके इक्वल है अब डेरिवेटिव निकाल को खत्म करने के लिए क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए जस्ट तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा सिक्स कोस साइन टू टी का माइनस कोस टू टी ओवर टू प्लस फोर कोस टू टी का साइन टू टी ओवर टू माइनस फोर वन का टी ये पूरा जे कंपोनेंट है जे के अंदर दो पार्ट्स हैं प्लस एट यह आ जाएगा टी क्यूब ओवर थ्री प्लस सी कॉन्सेंट इक्वल टू ये इससे कैंसिल होगा तो जस्ट आर रह जाएगा अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं अब अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम आ, टी को जीरो कर दें तो जो आर है वो भी ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पुट टी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा माइनस थ्री को ज़ीरो आई प्लस टू साइन ज़ीरो माइनस फोर इंटू ज़ीरो जे वेक्टर प्लस एट ये क्या हो जाएगा ज़ीरो का क्यूब ओवर थ्री के प्लस सी और आर भी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें दिया गया है माइनस थ्री फोर जीरो वन होता है तो ये आई बच जाएगा प्लस ये जीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो तो सी इक्वल लिख सकते हैं प्लस थ्री आई के ये सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है अब क्योंकि जो सी की वैल्यू थी वो आई में थी तो हमने ये तो एक आई ये था और एक आई ये तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करके आई सेपरेट कर लिया तो ये हमारे पास आर का फाइनल आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपने क्या करना है जस्ट इस पर अप्लाई uh, कर देनी है इंटीग्रेशन उसके बाद लिमिट कर देनी है ज़ीरो से पाए बाय टू अप्लाई और ये आ जाएगा प्लस टू जीरो से पाए बाय टू कोस टी जे वाइ जे कंपोनेंट तो ये थ्री साइंटी का आ जाएगा माइनस कोस टी और ये ज़ीरो से पाए बाय टू लिमिट अप्लाई हो जाएगी आई कंपोनेंट पे प्लस टू कोस टी का आएगा साइन टी और इस पर भी जीरो से पाई बाई टू लिमिट पुट हो जाएगी जे कंपोनेंट पे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री और कोस टी पे करेंगे तो कोस पाई बाई टू माइनस कोज ज़ीरो आई प्लस टू साइन फाइव बाई टू माइनस साइन ज़ीरो जे और अब यहाँ पे देखें ये क्या आएगा माइनस थ्री कोज फाइव बाई टू इज नाइन्टी कोस नाइन्टी जीरो होता है माइनस कोस जीरो वन होता है आई प्लस टू साइन नाइन्टी वन होता है माइनस साइन जीरो ज़ीरो होता है जे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री आई प्लस टू जे तो यही इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में भी तकरीबन ऐसा क्वेश्चन है जो आपने एट नाइन टेन में किया है कि आपने एफ ऑफ टी फाइन करना है और एफ प्राइम टी एफ गिवन है मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है आपने फंक्शन फाइंड करना है तो हम इसको लिख लेते हैं कि गिवन आपके पास है एफ प्राइम टी इक्वल टू एफ प्राइम को कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव तो फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर हम जस्ट एफ ऑफ टी निकालना चाहें तो दोनों साइड पर इंटीग्रेशन ले लेंगे ताकि डेरिवेटिव तो और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो सके तो एफ प्राइम ऑफ टी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट आपके पास एफ ऑफ टी बचेगा ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी ही आएगी आई कंपोनेंट प्लस टू आ जाएगा टी स्केर ओवर टू पावर रूल से जे कंपोनेंट माइनस साइन टी का आ जाएगा माइनस कोज टी और के कंपोनेंट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा साथ अब इसका ये तो कैंसिल हो जाएगा ये बनेगा ई पावर टी आई प्लस टी स्केयर जे प्लस कोज टी के प्लस सी वैक्टर और यह आ गया एफ ऑफ टी अब आपको कहा गया है कि एफ ऑफ जीरो जो है वो आई प्लस जे माइनस के बराबर है इसका मतलब है कि अगर हम पुट टी इक्वल टू जीरो करें तो एफ की जगह क्या आ जाएगा आई प्लस जे माइनस के ए पावर जीरो वन होता है आई प्लस ये जीरो हो जाएगा जे प्लस को जीरो वन होता है तो ये वन के आ जाएगा प्लस सी वेक्टर और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई है आई प्लस जे माइनस के जो कि गिवन है हमें पहले से दी गई है यहाँ से आपके पास क्या बचेगा आई प्लस के क्योंकि जे जीरो हो गया और ये बनेगा आई प्लस जे माइनस के अब ये सी यहीं पे रहेगा और इसको वहां पे ले जाते हैं आई प्लस जे माइनस के ये माइनस आई हो जाएगा और प्लस के वहां जाके माइनस के हो जाएगा इक्वल टू सी वेक्टर तो आई और माइनस आई कैंसिल तो ये आ जाएगा जे माइनस टू के सी की वैल्यू आ गई जे माइनस टू के अब आपने इसको कहाँ पुट करना है यहाँ पे अब देखें पिछले क्वेश्चन में किया ई पावर टी आई का एक ही कंपोनेंट है तो आई आ जाएगा प्लस अब ये भी जे कंपोनेंट है ये भी जे का है तो इसमें से हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस वन और ये आ जाएगा जे कंपोनेंट प्लस ये भी के है और ये भी के है तो ये आ जाएगा कोस टी माइनस टू के कंपोनेंट तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरह है और क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में थोड़ा सा फर्क है वो ये कि इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव दिया गया है और आपने इसमें सिंपल फंक्शन फाइंड करना है तो अगर सेकंड डेरिवेटिव से सिंपल फंक्शन पे आना है तो आपको सेकेंड डिवेटिव से पहले फर्स्ट डिरेवेटिव पर जाना चाहिए आ, पड़ेगा कि आपको फर्स्ट इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी उसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ओरिजिनल फंक्शन पर चला जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ आ जाएगा फोर ई पावर टू टी का इंटीग्रेशन ई पावर टू टी और पावर का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस सिक्स ये आ जाएगा टी स्केर ओवर टू माइनस साइन टी का आ जाएगा माइनस कोर्स टी ये जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यहाँ पे क्योंकि uh, एक इंटीग्रेशन लिया है तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा जस्ट एक डेरिवेटिव रह जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा टू ई पावर टू टी आई प्लस थ्री टी स्केयर जे माइनस माइनस प्लस कोज टी के प्लस सी वेक्टर और ये एफ प्राइम टी तो अब आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि एफ़ प्राइम जीरो पे थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के इसका मतलब कि यहाँ पे टी इक्ल टू ज़ीरो रखना है तो यहाँ जगह टू ई पावर जीरो वन होता है तो वो वन से मल्टीप्लाई यही हो जाएगा प्लस ये जीरो हो जाएगा जीरो जे प्लस को जीरो वन होता है तो k c. के प्लस सी और एफ प्राइम जीरो की जगह क्या डालना है थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के तो यहाँ से थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के और ये वहाँ जाएगा तो ये आएगा माइनस टू आई और ये प्लस वन के तो ये माइनस के हो जाएगा इक्वल टू सी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो थ्री आई माइनस टू आई हो जाएगा आई माइनस टू जे प्लस फाइव के माइनस के प्लस फोर के ये सी की वैल्यू आ गई इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं पुट करने के बाद जो आई वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं ये आ जाएगा टू ई पावर टू टी और ये आई है तो ये प्लस वन कर लेते हैं और आई कॉमन आ गया प्लस जे के कंपोनेंट में आएगा थ्री टी स्क्र माइनस टू जे कम्पोनेंट प्लस के कंपोनेंट में कोस टी प्लस फोर के कम्पोनेंट ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास सिंपल फंक्शन आ सके यहाँ पे अलग अलग हर नंबर पे मैंने अप्लाई कर दी इंटीग्रेशन तो ई पावर टू टी की आ जाएगी ई पावर टू टी और टू प्लस वन की इंटीग्रेशन टी आई प्लस थ्री टी क्यूब ओवर थ्री इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन और माइनस टू टी ये जे कंपोनेंट बन जाएगा प्लस कोस टी का आ जाएगा साइन टी प्लस फोर टी ये के कंपोनेंट प्लस सी और यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ टी इंटीग्रेशन से कैंसिल होगा तो जस्ट आपके पास एफ ऑफ टी बच जाएगा इसकी कंडीशन ये यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ जीरो पे आई प्लस जे माइनस की है इसका मतलब कि हमने टी की जगह जीरो पुट करना है एफ ऑफ जीरो की जगह आएगा आई प्लस जे माइनस के ई पावर ज़ीरो वन तो वन प्लस जीरो वन तो ये आ जाएगा वन आई प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा और प्लस साइन जीरो ज़ीरो होता है फोर ज़ीरो भी ज़ीरो होता है तो जस्ट हमारे पास प्लस सी बचेगा तो यहाँ पे सी रह जाएगा और ये आई वहाँ जाके माइनस हो जाएगा प्लस जे माइनस के तो ये कैंसर तो सी जस्ट बच जाएगा आपके पास जे माइनस के अब फिर जे माइनस के को आप यहाँ पर वोट कर देंगे C की वैल्यू डालने के बाद आपने ये भी J कंपोनेंट है और ये भी J कंपोनेंट K को K कंपोनेंट के साथ एडजस्ट कर देना है तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका थोड़ा ट्रिकी भी है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर डॉट आर है ठीक है तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर ये इक्वल होता है फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये क्या बनेगा टू आर डोट डी आर ओवर डी टी और यहाँ पे है डी बाई डी टी ऑफ आर डोट आर तो यहाँ से अगर हमने आर डॉट डी आर ओवर डी टी फाइन करना है इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की तो यहाँ से आर डॉट डी आर ओवर डी टी ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे टू है ये वहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा वन बाई टू डी बाई डी टी ऑफ आर डोट आर अब यहाँ पे देखें इसी पे हमने वन से लेकर सेवन तक लिमिट अप्लाई करनी है और इंटीग्रेशन करनी है तो ये आर डॉट डी आर ओवर डी टी वन टू तो सेवन लिमिट इक्वल टू तो वन बाई टू डी बाई डी टी ऑफ यहाँ से भी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन आर डॉट आर डी टी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये जो डेरिवेटिव है आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट आर डॉट आर बचेगा और इसकी आपने लिमिट देनी है वन से लेके सेवन तक यहाँ वन से सेवन लिमिट थी तो इसको लिखेंगे वन बाय टू ये आ जाएगी आर ऑफ अपर लिमिट आर ऑफ सेवन डॉट आर ऑफ सेवन माइनस आर ऑफ़ वन डॉट आर ऑफ वन क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो डॉट में है तो यहाँ पे आर ऑफ़ सेवन की वैल्यू डालेंगे और आर ऑफ़ वन की वैल्यू डालेंगे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे देन आंसर को माइनस कर देंगे तो आई को आई से करेंगे तो वन प्लस एट एट दिक्सटी फोर प्लस नाइन नाइन टाइम्स एटी वन और इसमें से हमने माइनस करना है ये वाला अभी जैसे इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं माइनस फाइव फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री टाइम नाइन प्लस टू टू जीव फोर अब इनको करके तो हमने माइनस करना है वन सिक्स में थर्टी एट डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फिफ्टी फोर तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा आर डो डी आर ओ डी टी से से वन से सेवन इंटीग्रेशन का फिफ्टी फोर आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन में, में आपने वैल्यू फार फाइंड करनी है और आपको आर का डबल डेरिवेटिव दिया गया है जो कि के इक्वल है तो जैसे कि आप वो जानते हैं पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि अगर आपको डबल डेरिवेटिव दिया गया हो तो उससे हम पीछे की तरफ जाने के लिए मतलब कि उसका डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है वो है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर इक्वल टू ए तो यहाँ पर अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो यहाँ से एक ख़त्म हो जाएगा ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी एक डेरिवेटिव खत्म हो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रेशन से और ये आ जाएगा ए टी क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है और साथ इसके टी आ जाएगा वन का डेरिवेटिव प्लस सी कॉन्स्टेंट वेक्टर क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ आता है तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए uh, कहा गया है कि आर प्राइम ऑफ जीरो जो है वो यू के इक्वल है एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं आर प्राइम क्योंकि फर्स्ट जो है डेरिवेटिव उसको आर प्राइम लिखा जा सकता है ये आ जाएगा ए टी ए ऑफ टी और ए टी में फ़र्क है ए ऑफ टी का मतलब है ए इज़ अ फंक्शन ऑफ टी और ए टी का मतलब कि ए मल्टीप्लाई टी से तो यहाँ पे पुट टी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा आर प्राइम जीरो इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस सी वैक्टर तो आर प्राइम जीरो किसके इक्वल है यू के ये आ जाएगा यू वेक्टर इक्वल टू ये ज़ीरो प्लस सी तो सी का आंसर क्या आ गया यू अब इस यू uh, को आपने यहाँ पुट कर देना है तो आर प्राइम टी इक्वल आ जाएगा आर प्राइम टी इक्वल टू ए टी प्लस सी की जगह यू वेक्टर ये आ गया पहला हमारे पास अब इसको हमने दोबारा इंटीग्रेट करना है ताकि हमारे पास जस्ट आर बच सके क्योंकि हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ आर करना है आर प्राइम और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर जस्ट हमारे पास सिंगल आर बच जाएगा और यहाँ पे आएगा ए टी स्के ओवर टू प्लस यू और वन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टी प्लस डी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ डी क्योंकि पहले सी यूज़ कर चुके हैं इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन डी ले रही हूँ और यहाँ पे आपको इसके लिए वैल्यू दी गई है कि आर जीरो पे जीरो है तो पुट डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा ए ज़ीरो टू प्लस यू ज़ीरो प्लस डी और आर ज़ीरो पे भी ज़ीरो ही है तो यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो इक्वल टू ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा और डी बचेगा तो डी भी ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे डी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो आर ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा एम डी स्केर ओवर टू प्लस यू टी प्लस जीरो तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा जो कि हमने वैल्यू ऑफ आर फाइंड करनी थी वो ये आ गई क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का जिसमें हमने सोल्व करनी है इक्वेशन डी स्केर वी ओवर डी टी स्केयर इक्वल टू ए टी प्लस बी सोल्व करने का मतलब ये है कि जिसमें वेरिएबल है जो कि वी है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो इट मीन्स की डी स्केयर वी ओर डी टी स्केयर से आपने वी की तरफ आना है तो ये आपको गिवन है डी स्केयर वी ओवर डी टी स्केयर इक्वल टू ए टी प्लस बी वेक्टर। अब इसका अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इस दर से एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ये बच्चे डी वी ओवर डी टीवल्स ए टी स्केयर ओवर टू प्लस बी टी प्लस इसमें सी कॉन्सटेंट वैक्टर ले, ले लेते हैं अब दोबारा को अप्लाई करेंगे अब देखिए यहाँ पे हम सी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो इसको ऐसे ही लेके चलेंगे आगे तो अगेन अप्लाएंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो यहाँ से आपके पास डी और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होंगे तो जस्ट आपके पास बी ऑफ टी बच जाएगा इक्वल टू ए बाई टू और टी स्केयर का आएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री प्लस बी इसका आ जाएगा टी स्केयर बाई टू प्लस सी वन का टी आ जाएगा प्लस डी एक नया कांस्टेंट वेक्टर है जो कि मैं अब ले रही हूँ क्योंकि हम पहले से यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए टी क्यूब ओवर सिक्स प्लस बी बाई टू टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी वेक्टर और यही आपका फाइनल आंसर होगा जो कि आपने फाइंड करना था वी की वैल्यू सो यू सो मच कीप सपोर्टिंग लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको आ, ये वीडियो पसंद आई है और क्वेश्चन समझ आ गया तो लाइक लाजमी कर दिया करेंगे थैंक यू सो मच